Yo, what's happening guys, my name is Loggy और आज हम एकदम से दुबई वाली सिटी में और भाई साहब यार क्या मौसम है भाई यार तो एकदम से ब्लू वाला स्काई है और गाइज आज मैंने सोचा कि मैं एकदम से नेदर के अंदर जाऊंगा क्योंकि पिगलिंग्स जो है ना भाई वो उन्होंने बड़ी खतरनाक वाली ऑफर लगाई है और ऑब्वियसली जब वो ऑफर लगाते हैं तो मुझे खतरनाक वाली चीजें मिलेंगी लेकिन गाइज प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास गोल्ड सारा खत्म हो चुका है यार और गाइज ऑब्वियसली मेरे को गोल्ड तो चाहिए होगा क्योंकि यार वो पिगलिंग्स जो है बड़े तेज है यार अगर उन्होंने बिना गोल्ड के कि किसी को देख लिया ना तो वो उनको वही पे ये क्या हो रहा है भाई वो क्या कर रहे हो कौन है कौन चिल्ला रहा सुबह सुबह रॉकेट क्यों बना रहे हो ये यहाँ पर ये रॉकेट नहीं है ब्रो क्या ये क्या ये है चीफ का शाही सिंहासन और वो ऊपर कैसे चढ़ेगा जरा मुझे बताओ तो भाई मेरे को पता नहीं है एंटरपल फेंकेगा एंटरपल 6 बजे यहाँ पे बैठ के ना पूरी तपस्या करूंगा और यहाँ से पूरी सिटी उसे देखनी है तो ये है गाइस चीफ की शाही चौकी अगर बनाना ही था तो पहाड़ी के ऊपर बनाते ना भाई एकदम मिडल में हाँ उसको अभी आइडिया मत दे तो ये अच्छा है ना उसने तो बोला था टावर के ऊपर बना दे अच्छा वहाँ पर वहाँ कह रहा पास वाला गांव भी देख लेंगे मैंने कहा नहीं भाई ये ठीक है अच्छा यहाँ यहाँ पर अच्छा मुझे आपको एक बात बतानी है भाई मेरे पास दरअसल सारा गोल्ड खत्म हो गया और मुझे नेदर में जाना है तो आपके पास गोल्ड है हाँ ये ले मैं ऊपर से फेंक रहा हूँ सामान कचरा फेंक रहा हूँ थैंक यू 1, 2, 3, 4 तो ये ले मैंने तेरे को 4 गोल्ड फिंगर्स देकर रखे हैं इससे तो जूते बना सकता है अबे भाई जूतों का क्या करूंगा भाई जूते खाली यार आपसे कुछ नहीं होने वाला काम करता मैं चीफ से जाकर पूछता हूँ भाई उसके पास गोल्ड है क्या एक बार को मैंने गोल्ड ऊपर से बातें सुनो ए भाई मुझे थोड़ा ज्यादा गोल्ड चाहिए क्योंकि मुझे आधा गोल्ड तो उनको भी देना पड़ेगा ना ट्रेडिंग के लिए मेरे को बहुत सारा गोल्ड देकर रखा उसने मेरे को बोला था कि कुर्सी गोल्ड की होनी चाहिए यहाँ पर अच्छा एक मिनट मैं यहाँ पर साइन लग गया मैं देखता हूँ क्या लिखा है यहाँ पर चपाती एंड लॉगी आई हैव एन इंपॉर्टेंट जॉब फॉर यू गाइस ओ अच्छा एक नई वाली जॉब लेकर आया चीफ ये क्या लिखा है गेट मी अ लिस्ट ऑफ सम आइटम्स एंड आई विल गिव यू गोल्ड इंगट्स क्या बात है भाई और ये लिस्ट उसने दिया तो एक डायमंड ब्लॉक मांगा एक आयरन ब्लॉक 20 कोबलस्टोन और 64 ओक प्लैंक यही काम रह गया दुनिया में अच्छा और सप्लाई करो एक और साइन भी लिखा और ये क्या लिखा है एवरी आइटम हैज टू बी फ्रेश क्राफ्टेड फ्रेश क्राफ्टेड हम तेरे को बासा माल दे रहे हैं अच्छा और ये गोल्ड वो क्या बात है ये अभी नहीं ले सकते चीफ मेरे को गांव से निकाल देगा तो अभी गाइस गोल्ड को टच नहीं करना हमने और ऑब्वियसली सबसे पहले ये चीफ की जॉब मैं ही कंप्लीट करूंगा और दूसरी बात गाइस मेरे पास ऑगी के खतरनाक वाले डायमंड के टूल है अच्छा वे आपके पास ऑगी के टूल था भाई मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ रुक जाओ आज तो गाइस मैं रातों रात मालामाल होने वाला हूँ गाइस मेरे पास तो सिर्फ आयन की चीज ही बाकी मैं है मैं दुबई का चीफ क्या मैं तो जलंधर का चीफ बन जाऊंगा देख लियो तू नहीं भाई यार गाइस ये तो सारा गोल्ड चपाती भाई को मिल जाएगा यार लेकिन कोई बात नहीं मेरे पास एक बड़ी सीक्रेट पावर है जिसके बारे में सिटी में किसी को भी नहीं पता एक गाइस मैं आपको दिखाता हूँ और गाइस मेरी सीक्रेट पावर ये है कि मैं जो ब्लॉक की तरफ देखूंगा वो ब्लॉक मुझे मिल रही है भाई ये देखो तो मेरे पास कितनी सारी ग्रास ब्लॉक्स आ रही है भाई और अभी तो मैं चपाती भाई को एकदम आराम से मैं हरा सकता हूँ तो एक काम करता हूँ गाइस मैं ये सारा गन जो है जो मुझे नहीं चाहिए मैं इस ऑगी के घर के बाहर रख देता हूँ और अभी हम निकलते हैं भाई तो चीफ को सबसे पहले चाहिए था एक आयन का ब्लॉक तो मुझे बहुत सारा आयन पहले ढूंढे वैसे बहुत सारा क्या अगर मुझे एक आयन भी दिख जाए ना तो मैं उसको सारा कॉपी कर सकता हूँ भाई कहाँ पर है भाई आयन कहाँ पर है वो मुझे पता नहीं चपाती भाई कहाँ पर आई थिंक इस और ये रहा क्या बात है तो अगर मैं इसकी तरफ देखूं तो क्या बात है मुझे आते ही 5 आयन ओर मिल चुके हैं और मुझे चाहिए एक ब्लॉक के लिए 9 और मेरे पास एकदम से 10 ब्लॉक्स आ चुके हैं और अभी इसको डालते हैं फर्नेस में और अभी मेरे को यहाँ पे जाना है मुझे बहुत सारी वुड है मेरे को कैसे हो चाहिए ये देखो आयन मुझे मिल चुका है कुछ जल्दी कैसे आयरन मिल चुका है मैं पीरो हूं भाई ओके फर्नेस कहां पर है इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर पहले से कोल पड़ा है भाई वो क्या कर रहा है अगर मैं बाहर से देखूं तो किसी की आवाज आ रही है यहाँ पर देखो तो क्या कर रहा लॉगी कहाँ पर ओए मुझे चपाती भाई की आवाज तो आ रही है कहाँ पर ओए क्या कर रहा है भाई तेरे ऊपर नजर रखी मैं देखना चाहता हूँ कि तेरे पास इतनी जल्दी आयरन कैसे आया मेरे पास अभी मुझे लकड़ी भी चाहिए क्योंकि उसको चाहिए थी 64 मेरे पास लकड़ी है ओके तो मैं जल्दी से यहाँ पर ले लेता हूँ और नाइस अभी अगर मैं इसको डालूं तो मेरे पास आ चुकी है नाइस 64 तूने तो यहाँ पर सिर्फ एक ही लकड़ी तोड़ी तेरे पास तूने तो कुछ तोड़ा भी नहीं मैंने तो कुछ तोड़ा भी नहीं भाई तूने कुछ तोड़ा भी नहीं तेरे पास इतने सारे स्टैक्स कैसे आ चुके हैं नेक्स्ट उसको क्या चाहिए था डायमंड आ जाओ अभी मैं डायमंड ढूंढता हूँ मेरे पास एग्जैक्टली पता है कि डायमंड कहाँ पड़े हैं अच्छा अच्छा डायमंड आपकी फॉलो करता हूँ और अभी मुझे यहाँ पर डायमंड्स ढूंढने हैं ओके तो गाइस आई थिंक इस तरफ मुझे शायद डायमंड्स मिल सकते हैं तो मैं यहाँ पर अपनी टॉर्च रख कर जाता हूँ और आए तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कोयला भी ले लेता हूँ नाइस कहाँ पर है भाई वैसे तो इतना टाइम नहीं लगता अरे क्या बात है भाई मुझे एकदम से सामने डायमंड मिल चुके हैं और अभी बस मैं इसको देखता हूँ भाई मैं ऐसे ऐसे कर देता हूँ और मेरे पास कितने आ चुके हैं
18 और अगर मैं इसको अभी अच्छा क्राफ्टिंग टेबल में नहीं रखता है कैसे कर रहा है ये हेलो तूने कैसे किया भाई मैंने कुछ नहीं किया तूने कुछ ना कुछ चीटिंग किया भाई और अब ओके इधर आ मैं इसको यहां पर रखता हूं अभी इसको तोड़ता हूं भाई पावर है अगर उसकी तरफ देख रहा है ना तो वो डायमंड्स की इन्वेंटरी में ऑटोमेटिकली आ रहा है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं अभी मैं भी ऐसे ट्राई करूंगा हां आप करो देखो डायमंड को देखो आ जा डायमंड मेरी इन्वेंटरी में आएगा तू आज कुछ नहीं होगा ऐसे मेरी आने वाला लॉगी कहां पर है तू मैं यहां पर क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूं भाई मैं तो ऊपर जाऊंगा वापस देखिए लॉगी अभी देखिए मेरी इन्वेंटरी में बहुत सारे डायमंड्स आएंगे अभी देखिए दिखाओ दिखाओ मैं यहीं पे बैठ के 2 घंटे डायमंड्स को देखूंगा आप मजे से देखो मैं वापस जा रहा हूं आएंगे मेरी इन्वेंटरी में डायमंड इस चपाती भाई को पता भी नहीं है भाई वो तो सही टाइम वेस्ट कर रहे हैं और अभी गाइस सारा चीफ का गोल्ड मुझे ही मिलेगा ओके गाइस नाइस मुझे एकदम से 23 डायमंड मिल चुके हैं और मेरा आयरन कहां पर है और नाइस ये भी एकदम से स्मेल हो चुका है और अभी डायमंड मैं यहाँ पर रख देता हूँ और सबसे पहले मुझे बनानी है एक आयन की ब्लॉक और नाइस मुझे एकदम से आयन का ब्लॉक मिल चुका है और भाई पहले तो मैं यहाँ पर अपना थोड़ा सा गन रख देता हूँ चेस्ट में कम ऑन बस एक ही और मुझे चाहिए एक ही और डायमंड कम ऑन भाई और सामने चपाती भाई खड़े विंडो में मैं ऐसे ही एक्टिंग करूंगा कि मुझे कुछ पता ही नहीं है तो मैं जल्दी से यहाँ पर एक डायमंड की ब्लॉक बना देता हूँ नाइस लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो भाई ओके गाइस आई थिंक मेरे पास सब कुछ आ चुका है भाई मैं याद कर लेता हूँ अरे भाई चीफ को 20 कोबलस्टोन भी चाहिए था तो अभी मुझे कोबलस्टोन ढूंढना है तो कोबलस्टोन ढूंढना का बहुत ही ज्यादा सिंपल है अगर मैं नीचे स्टोन की तरफ डिग करूं तो कमन भाई स्टोन ये रहा तो मैं एक स्टोन यहां पर कलेक्ट कर देता हूं अगर मैं ये यहां पर रखूं तो नाइस मुझे एकदम से कोबलस्टोन मिल चुका है और अगर अभी मैं इसको यहां पर रखूं तो ये देखो भाई मुझे एकदम से कोबलस्टोन मिल रहा है तो बस मुझे ऐसे ऐसे करना है और अभी मैं थोड़े यहां पर और ऐसे रख देता हूं और घुमाओ भाई अपना सर घुमाओ और मुझे एकदम से 20 मिल चुके हैं भाई भागो मेरे पास सारे आइटम रह चुके हैं भाई कैसे कर रहा है ये चीजें भाई मेरे पास तो सारी आइटम जा चुकी है आपको आपको सब कुछ मिल गया ना वो तेरे पास सारे आइटम इतनी जल्दी कैसे आ गए मेरे को तो अभी तक आयरन भी नहीं मिला आप सिर्फ मजे से आयरन ढूंढो भाई भाई तूने कुछ ना कुछ किया तो गाइस मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये चीजों की तरफ देख रहा है और उसके पास वो ऑटोमेटिकली वो चीज जा रही है गाइस आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी यार मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या कर रही है मैंने सब कुछ यहां पर डाल दिया और सारा गोल्ड मुझे मिल चुका है नाइस क्या बात है भाई नहीं तूने सारा गोल्ड चीफ के तूने ले लिया उसके अंदर से गोल्ड मैंने तो 4 स्टैक ले लिया अंदर से सीरियसली हां मैं अभी जाके देख के आता हूं चीफ लॉगेंद्र को लूट लिया भाई मैंने कुछ नहीं लूटा भाई मैंने कुछ भी नहीं है यार मैंने सब कुछ वहां पर डिलीवर कर दिया देखा मेरे पास तो कुछ तो कर कैसे रहा है एक काम करता हूं मैं आपको एक डील रखते हैं हां बोल एक काम करते हैं एक पीवीपी करते हैं अगर मैंने आपको हरा दिया तो मैं आपको नहीं बताऊंगा अगर आपने मुझे हरा दिया तो मैं आपको बता दूंगा ठीक है एक मिनट भाई तूने बोला पीवीपी करते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ ओके गाइस मेरे पास तो बहुत खतरनाक वाला एडवांटेज है तो मुझे ऑलरेडी पता है कि केव के अंदर डायमंड्स कहाँ पड़े तो मैं सबसे पहले वही लेकर आऊंगा और अभी तो मैं भाई पूरा डायमंड का आर्मर बनाऊंगा ए हैंग ऑन अ मिनट मेरे पास यहाँ पर तो पहले से डायमंड्स पड़े हैं तो मैं यहाँ से भी ले लेता हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पर बना देता हूँ अपने लिए एक क्राफ्टिंग टेबल तो क्राफ्टिंग टेबल को रखो यहाँ पर और सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक चेस्ट प्लेट नाइस उसके बाद एक लेगिंग्स अच्छा लेगिंग के लिए इनफ है ही नहीं तो कहो कोई बात नहीं तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक हेलमेट और नाइस मेरे पास डायमंड का आर्मर आधा आ चुका है और अभी मैं गाइस अपने लिए थोड़ी टूल्स बनाता हूँ वो वाले डायमंड्स कहाँ पर है ये रहे भाई तो मैं सबसे पहले यहाँ से बहुत सारे डायमंड्स उठाऊंगा भाई मेरे पास आधा स्टैक ऑलरेडी आ चुका है और नाइस भाई मेरे पास एकदम से ऑलमोस्ट एक स्टैक आ चुका है और अभी मैं इसके डायमंड्स बनाता हूँ और गाइस मेरे पास एकदम से स्टैक आ चुका है डायमंड्स का तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बना देता हूँ एकदम से फुल डायमंड आर्मर और उसके बाद गाइस मैं यहाँ पर बना देता हूँ अपनी एक खतरनाक वाली डायमंड सोर्ड और आई थिंक मैं तो एकदम से पीवीपी के लिए तैयार हूँ भाई आ जाओ चपाती भाई कामरो है वो कामरो भाई कहीं तो अरे वो रे कैक्टस मेरी क्या कर रहे हो अच्छा वो अभी तक कैक्टस मेरी इन्वेंटरी में आ जा कैक्टस हेलो कैक्टस ये हैंग ऑन अ मिनट ए आपने तो अपनी इन्वेंटरी क्लियर ही नहीं की नहीं मैं यूज नहीं करूं मेरे पास सिर्फ ये सोर्ड ही है भाई मेरे पास हेलमेट ही है चलो भाई मेरे पास ऑब्वियसली इनफिनिट डायमंड था तो मैं आपको रखने देता हूं ठीक है कैसे मेरे पास इनफिनिट डायमंड देखा भाई मैं हूं माइनक्राफ्ट का सबसे खतरनाक वाला स्पीड रनर ओए ओए अच्छा इधर आओ इधर आ इधर पास में आना पास में आना और पास में आना भाई मेरे पास खतरनाक वाला आर्मर है मैं तुम्हें एक मारेगा तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं मेरे पास डायमंड वाला आर्मर है तो लेट्स गो भाई मैं एकदम से जीत गया हैंग ऑन अ मिनट मेरे पास बड़ा खतरनाक वाला आईडिया मैं आपका यहां पर सर उठाता हूं और अभी मुझे चपाती भाई के इनफिनिट स्टार मिलेंगे भाई और नाइस गाइस मेरा हैक एकदम से काम कर गया और चपाती भाई को पता भी नहीं चला तो चलिए गाइस आई थिंक अब इस वीडियो में इतना काफी होप यू enjoy it. Make sure to leave a like and subscribe and I'll see you in my next video. Till then, take care everybody and bye bye.